यूपी की सरकार कहें या हिटलर योगी की सरकार या फिर बीजेपी की सरकार, सरकार किसी की भी हो, होती जनता के लिए है। लेकिन योगी की सरकार तो अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों की नहीं सुनती, तो भला उस भोली भाली जनता की क्या सुनेगी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के ही 200 विधायकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और विधान भवन में ही धरने पर बैठ गए थे। मौका विपक्षी विधायकों को भी मिल गया और वह योगी सरकार को घेरने के लिए धरने पर बैठ गए, जिस पर महाराज जी ने चुटकी भी ली और कहा कि आज आप हमारे विधायकों का समर्थन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप हमारी पार्टी में होंगे। लेकिन अब बीजेपी के ही एक सांसद जो कि लखनऊ से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज सुरक्षित सीट होने के कारण कौशल किशोर यहाँ से बीजेपी सांसद है। कौशल किशोर कई बार बाबा की सरकार पर आरोप लगा चुके हैं, उनकी ना तो योगी जी सुनते हैं और ना ही सरकार सुन रही है। अधिकारी हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, प्रॉपर्टी डीलर गरीब जनता का पैसा लेकर भाग रहे, अपराधी प्रदेश में अपराध और लगातार अंजाम दे रहे हैं, पुलिस पुलिसिंग छोड़कर वसूली पर लगी हुई है, पूरी जनता त्रस्त है। आलम यह है कि अपराधियों में खौफ नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में कौशल किशोर की बात सरकार और पार्टी में नहीं सुनी जा रही है, या कौशल पार्टी से ऊपर हो गए हैं और उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है। क्या सही में उनकी बात सरकार में नहीं सुनी जा रही, उनकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से नहीं मिल रही है? सवाल तो उठता ही है कि आखिर अपने ही अपनों पर उंगली क्यों उठा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाज और मीडिया।